हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली के लास्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। एंड प्रीवियस वीडियो में हम इसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन व्यूअर ने वो वीडियो नहीं देखी है, उनका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फैमिली क्या होता है। फैमिली एक सोशल ग्रुप होता है, प्राइमरी सोशल ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। तो आगे हमने इसके टाइप्स किए थे, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड ब्लेंडेड फैमिली। तो ब्लेंडेड फैमिली हमारा टॉपिक जो रह गया था उसमें, तो इसे हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। एंड अभी हम कैरेक्टरिस्टिक इसके कंप्लीट कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो पहले हम न्यूक्लियर फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्टेबल इन्वायरमेंट, मीन्स एक तरह का एक स्थिर वातावरण न्यूक्लियर फैमिली में मिलता है। कैसे? चिल्ड्रन दैट ग्रोन अप इन अ सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड हैव अ हायर चांस ऑफ स्टेबिलिटी। मीन्स वो बच्चे जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ होते हैं, ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा होता है उनकी फैमिली में, सिर्फ वो अलग रहते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, वो अपने वाइफ के साथ जो है सेपरेट हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी वो बड़े बुज़ुर्गों के से अलग, यानी कि वो किसी ऑर्डर के अंडर नहीं रहना चाहते हैं, वो किसी बर्डन में नहीं रहना चाहते, या कह लीजिए कि वो अपने एल्डर के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं। तो वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ अलग रहते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो, उनको स्टेबिलिटी का चांस ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली छोटी होती है, जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं और बच्चा होता है, और पेरेंट्स का पूरा ध्यान जो है बच्चे पर रहता है। तो उसको एक अच्छा चांस मिलता है कि वो अपने बच्चे को जो है सिखाते रहते हैं, कुछ नया उनमें स्टेबल करते रहते हैं बच्चे को। देन सेकंड पॉइंट आता है इसमें बिहेवियर स्टेबिलिटी। चाइल्ड गेट अ सेंस ऑफ वट इज़ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल एज फार एज बिहेवियर इज़ कंसर्न। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि बच्चे को पता चलता है कि क्या हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है, क्या हमें स्वीकार करना है और क्या हमें स्वीकार नहीं करना है। तो वो चीज़ें उसमें जल्दी आ जाती हैं, स्पेशली वेन बोथ पेरेंट लुक आफ्टर द मीटिंग ऑफ चिल्ड्रन, सॉरी मिच्योरिंग ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स जब बच्चा जो है मिच्योर हो जाता है, ठीक है, जब वो समझने लगता है, हर चीज़ को समझना उसे आ जाता है, तो वो सही गलत का फैसला भी करना सीख जाता है, क्योंकि उसके उसका फोकस जो है वो स्थिर हो जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। द चिल्ड्रन ग्रोन अप इन न्यूक्लियर फैमिली हैव अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, दिस इनेबल। तो इसमें बोला कि जो चिल्ड्रन, जो बच्चा होता है जो न्यूक्लियर फैमिली में बड़ा होता है, वो एक सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, मींस एक जगह पर एक ही बात पर स्थिर रहना सीख लेता है। दिस इनेबल देम टू फील एज अ वाइडर वोल ड्यूरिंग गेट टुगेदर ऑफ एनी फैमिली फंक्शन। तो इससे क्या होता है कि जब भी बच्चा कहीं भी बाहर जाता है, ठीक है, या फिर फैमिली फंक्शन में जाता है, तो उसका एक मेच्योरपन जो है वो उसमें दिखता है, उसमें सेंसिबिलिटी जो है वो दिखती है। फोर्थ आ जाता है हमारा लर्निंग स्किल। चिल्ड्रन इन न्यूक्लियर फैमिली यूजुअली गेट फार मोर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन लाइफ स्किल। तो न्यूक्लियर फैमिली में जो बच्चा होता है वो क्या है कि उसमें लर्निंग स्किल ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट्स के पास जो अपने बच्चे के को फोकस करने का टाइम ज़्यादा होता है, उनका मेन फोकस अपने बच्चे पर होता है, तो वो जो है जल्दी सीखता है और ज़्यादा सीखता है। द मदर टीच द चिल्ड्रन अबाउट रिलेशनशिप स्किल। मदर जो है बच्चे की, उसको जो है रिलेशनशिप के बारे में सिखाती है, और फादर अबाउट द हैंडी वर्क्स, यानी कि फादर जो है हाथ से काम करना सिखाते हैं, और स्पोर्ट्स में भी उसका अच्छा स्किल बनाते हैं, एज वेल एज हाउ टू डील विद आउटसाइड वर्ल्ड, और उसे वो सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया से आपको कैसे डील करना है।
तो मींस कहने का मतलब यही है कि उसमें जो है सीखने की क्षमता बच्चे में ज़्यादा होती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। चिल्ड्रन इन न्यूक्लियर फैमिली लर्न द शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल आर परफॉर्म्ड बाई एक्सपेक्टेशन एंड एग्जाम्पल रादर देन द फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। जो चिल्ड्रन होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, जो बच्चा होता है उसके अंदर शेयरिंग यानी कि कोई भी चीज़ को जो है बांट कर करना, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ हुई या फिर आप अपने टॉयज़ कह लीजिए कि वो अपने टॉयज़ जो है शेयर करके खेलता है, या फिर लाइफ में आगे जो है उसके अंदर एक शेयरिंग वाली जो भावना होती है वो बनी रहती है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझता है। एंड रोल आर परफॉर्म बाय एक्सपेक्टेशन, और जो भी वो रोल प्ले करता है, ठीक है, उसमें एक्सपेक्टेशन उसकी अच्छी रहती है। मीन्स कहने का मतलब ये कि वो जो है पॉजिटिव होता है, हर चीज़ में पॉजिटिव होता है और उसे उसके अंदर शेयरिंग वाली भावना रहती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ज़्यादा जल्दी समझता है। सिक्स पॉइंट है हमारा फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। न्यूक्लियर फैमिली हैज़ मोर फिजिकल एंड इमोशनल रिसोर्सेज विद विच दे कैन री इन्फॉर्म द वूमेन। मीन्स जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो है फिजिकली एंड इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर काम जो है खुद करना पड़ता है, यानी कि उनके फैमिली मेम्बर में और कोई नहीं होता है तो उनको जो है सारे काम खुद मैनेज करना होता है, ठीक है, घर को भी संभालना होता है, उन्हें अपनी जॉब भी करनी होती है, उनको बच्चे भी संभालने होते हैं, तो वो फिजिकली और इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे वो हर चीज़ को मैनेज करना उनके लिए ईजी रहता है। थ्रू ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स देयर लर्न हाउ टू हेल्प द बिल्डिंग द फैमिली। यानी कि जब एक बच्चा उस फैमिली में रहते हुए वो देखता है कि कैसे उसके माँ बाप जो है कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो बच्चा वो जल्दी सीखता है, ठीक है, और अपनी फैमिली को बिल्ड करना भी वो सीख लेता है। तो ये हमारे पॉइंट थे न्यूक्लियर फैमिली के। अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट फैमिली। तो जो हमने अभी पॉइंट्स किए हैं इसे हम जॉइंट फैमिली में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने थोड़े से अलग लिए हैं ताकि सेम पॉइंट्स ना हो इसमें, तो आपको थोड़ा आइडिया हो सकते हैं, ये पॉइंट्स आप उनमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली के पॉइंट्स आप न्यूक्लियर फैमिली में लिख सकते हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करके अकॉर्डिंग टू जो पॉइंट उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर होता है। कैसे? द पावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग मैटर रिलेटेड टू फैमिली एंड इंडिविजुअल लाई इन द हैंड ऑफ हेड ऑफ द फैमिली। ऑथोरिटेरियन मीन्स अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर। तो फैमिली में किसी एक पर्सन के पास फैमिली को होल्ड करने की पावर होती है। कैसे? द पावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग मैटर, यानी कि उसके पास जो है डिसीजन लेने की पावर होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर फैमिली में जो आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो फैमिली में सबसे बड़े होते हैं, वही फैमिली का सारा डिसीजन लेते हैं, वही सही गलत का फैसला करते हैं, ठीक है, और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनके पास जाता है, वो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो है जो पर्सन है वो जो है हर फैमिली के डिसीजन लेता है, ठीक है, रिलेटिंग टू द फैमिली एंड इंडिविजुअल एंड लाई इन द हैंड ऑफ हेड ऑफ़ द फैमिली। यानी कि वो कौन होता है, हमारा हेड ऑफ़ द फैमिली होता है। हिज डिसीजन इज़ टेकन एज फाइनल एंड एवरीवन हैज़ टू अबाइड ऑफ बाय इट। यानी कि उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, ठीक है, और सबको वो ऑर्डर मानना पड़ता है। सेकेंड टाइप है हमारा फैमिली एज एन ऑर्गेनाइजेशन। It implies that the interest of the family as a whole is more important than individual interest. तो जब एक फैमिली इकट्ठी रहती है तो वो क्या है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जिसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं, ठीक है, काफ़ी मेम्बर होते हैं फैमिली में। तो इसमें क्या है कि सब लोग जो है इंटरेस्ट के साथ यानी कि एक दूसरे से प्यार के साथ जो है वो रहते हैं। वन हैज़ टू सेक्रीफाइस वन पर्सनल विशेज लाइक द डिसलाइक विच गो अगेंस्ट फैमिली नॉर्म और रूल और ट्रेडिशन। यानी कि जब एक फैमिली में सब लोग रह रहे हैं तो सबको एक दूसरे की खुशी के अनुसार चलना पड़ता है, ठीक है, तो कई चीज़ें जो है फैमिली में रहते हुए सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे कोई बड़े लोग होते हैं तो वो अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं छोटे अपने से छोटों की इच्छा पूरी करने के लिए। तो यानी कि
फैमिली में, जॉइंट फैमिली में कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, और फैमिली के अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, फैमिली में लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर वो क्या होगा, सब अलग अलग रहने लगेंगे। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो वो सब जो है अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो अगर जॉइंट फैमिली में रहना होता है तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, सबको साथ मिलकर चलना पड़ता है, सबको जो है मिलकर काम करना पड़ता है, सब रूल एंड ट्रेडिशन फॉलो करने पड़ते हैं। थर्ड है हमारा, स्टेटस ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ डिटरमाइंड बाय देयर एज एंड रिलेशनशिप। ठीक है, जो स्टेटस होता है एक पर्सन का वो मायने रखता है उसके एज और रिलेशनशिप पर। कैसे, द स्टेटस ऑफ द पर्सन हायर इन एज इज़ हायर इन जॉइंट फैमिली देन अ पर्सन लोअर इन एज। तो जब एक जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे जो हमारे हमसे एज में बड़े होते हैं उनको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वो हमें सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का आदर करना। तो यहाँ पर स्टेटस वही है, वही स्टेटस की बात की गई है कि जो जितना बड़ा पर्सन होता है फैमिली में उसको उतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है। देन सिमिलरली पर्सन इज़ रिस्पेक्टेड मोर बिकॉज ऑफ हायर स्टेटस इन टर्म ऑफ मैरिटल और ब्लड टाइज। तो इसी तरह से, और उसको कैसे हम आदर सत्कार हम उसको कैसे देते हैं, या फिर जो हमसे बड़ा है, हमसे पहले शादी हुई है, ठीक है, और हमारे ब्लड रिलेशन में है, ठीक है, अ हस्बैंड एंड अंकल एंड आंट एंड इन लॉज आर रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ हायर स्टेटस इन द रिलेशनशिप। ठीक है, जो हस्बैंड, जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देती है। क्यों, क्योंकि मोस्टली जो है हस्बैंड बड़े होते हैं, एंड अंकल अंकल भी बड़े होते हैं एज में, एंड आंट इन लॉज, तो ये क्या है, हमसे एज में बड़े होते हैं और हम इनको एक आदर और सत्कार जो है देते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों, क्योंकि उनका स्टेटस हमसे ज़्यादा बड़ा होता है। फोर्थ है हमारा ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप गेट प्रेफरेंसेस ओवर मैरिटल रिलेशनशिप। यानी कि ब्लड रिलेशनशिप क्या है, प्रेफरेंस दिया जाता है मैरिटल यानी कि शादीशुदा रिलेशनशिप से ज़्यादा। इट इम्पल्स दैट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज़ सबॉर्डिनेट टू फादर सन और ब्रदर ब्रदर रिलेशनशिप। मीन्स हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को सबॉर्डिनेट माना जाता है, यानी कि लोअर रिलेशनशिप, यानी कि उसको जो है कम वैल्यू दी जाती है अगर फादर और सन का रिलेशनशिप है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में ब्लड रिलेशनशिप है, भाई और भाई, ब्रदर ब्रदर यानी कि भाई भाई के बीच में भी क्या है, ब्लड रिलेशनशिप है। फिफ्थ है हमारा एन आइडियल ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या है, एवरी वन शेयर द प्रॉब्लम ऑफ देयर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली एंड ट्राइज टू हेल्प वट एवर मैनर कैन। यानी कि अगर जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, हमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी फैमिली में किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और वो जो है मोस्टली सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, अगर जैसे कि आप मान लीजिए आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको कोई चीज़ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कहाँ जाएंगे, आप अपने बड़ों के पास, अपने भाई सिस्टर, ठीक है, फादर मदर, किसी के पास जाकर के आप समझ सकते हैं। तो वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली में यही फ़ायदे होते हैं साथ में रहने के, कि आपको जो है कभी किसी चीज़ की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है हेल्प करने के लिए कोई ना कोई हमेशा मौजूद रहता है। देन सिक्स्थ है हमारा इक्वल अटेंशन टू ऑल मेंबर्स। इक्वल अटेंशन मीन्स सबको जो है समान समझा जाता है, सब पर समान तरह से ध्यान दिया जाता है। द फैमिली इनकम इज पूल टुगेदर एंड नीड ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर आर मीट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। मीन्स जो फैमिली की इनकम है, ठीक है, फैमिली की जो टोटल इनकम है उसकी अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है, उसकी ज़रूरत भी देखी जाती है कि उसको कितनी ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो उसकी ज़रूरत को पूरा भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब वही है कि आप फैमिली की इनकम को ध्यान में रखकर ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। ठीक है, और उसकी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखी जाती है कि वो फैमिली में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। देन उसके बाद आ जाता है फैमिली इज़ कंसिडर्ड एज अ मोस्ट बेसिक एंड रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन। तो फैमिली क्या है,
मोस्ट बेसिक है। मोस्ट बेसिक कैसे कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो फैमिली से ही सब कुछ सीखना शुरू कर देता है। देन और क्या है, ये ओल्डेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि ओल्डेस्ट, काफ़ी पुराने टाइम से चलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे दादा परदादा वो भी फैमिली से सीखते आए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, आगे आगे हम तक, हम भी आप भी फैमिली से सीख रहे हैं। तो ये क्या है, पुराना इंस्टीट्यूशन है ये। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है, एक प्राइमरी यानी कि स्टार्टिंग स्टेज है सीखने की, वो एक इंस्टीट्यूशन है। यानी कि हमारा पहला स्कूल क्या होता है, हमारी फैमिली होती है। एज इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, तो इसमें क्या क्या हम सीखते हैं। इकोनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, हम इकोनॉमिक सपोर्ट सीखते हैं। यानी कि कैसे, हमें अगर किसी पैसों की ज़रूरत है तो हम फैमिली से हमें मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सबसे छोटे हैं फैमिली में, हमें पैसों की ज़रूरत है तो हमें, हम अपने फादर से मांग सकते हैं, मदर से मांग सकते हैं, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, ठीक है। तो कोई ना कोई हमारी हेल्प कर देता है जॉइंट फैमिली में। तो मतलब कहने का मतलब ये कि हमें इकोनॉमिक सपोर्ट हो जाती है। और आता है हमारा इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हमें इमोशनल सपोर्ट भी मिलती है, एजुकेशनल सपोर्ट भी मिलती है। एजुकेशनल सपोर्ट मीन्स हमें किसी चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है, हमें पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, तो हम किसी से समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। सोशलाइजेशन सीखते हैं, सोशलाइजेशन कैसे, हम सोसाइटी में कैसे डील करें, लोगों से कैसे बात करें, ये हमें कौन सिखाता है, फैमिली सिखाती है, ठीक है, कि हमें किससे कैसे बात करनी है, बाहर जाके हमें कैसे बात करनी है। तो हमें सोशलाइजेशन भी हमें फैमिली से सीखने को मिलती है। टेक केयर ऑफ एज सिक एंड डिसेबल, यानी कि हम अपनी फैमिली में रहते हुए हम अपने बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखना, यानी कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करना हम सीखते हैं, ठीक है। बीमार लोगों की सेवा कैसे करनी है, डिसेबल मीन्स जो शारीरिक रूप से जो अपाहिज होते हैं उनकी सेवा कैसे करनी होती है, तो ये हमें सिखाया जाता है फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह करके। स्टेटस ट्रांसफ़र हम सीखते हैं, ठीक है। सोशल चेंजेस हम सीखते हैं, सोशल चेंजेस मीन्स जो भी सोशली, जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी, अपनी खुद की आइडेंटिटी हम जांचते हैं कि हम खुद क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देन रेगुलेट द चैनल ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में हम जानते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन मीन्स जब बच्चे जो है बड़े होते हैं, उनकी शादियाँ की जाती हैं, तो ऐसे ऐसे जो है फैमिली चलती है, बढ़ती चली जाती है। चाइल्ड रेयरिंग, बच्चे को जो है पालन पोषण उनका कैसे करना है, वो सब हम जो है एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए सब सीखते हैं, या फिर वो अपने आप जो फैमिली में मेंबर होते हैं सब करते चले जाते हैं, और सब जो है काम इजी हो जाते हैं। तो हमारे करेक्टरिस्टिक कंप्लीट होते हैं यहाँ पर जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली की। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में टॉपिक हमारा रह गया था टाइप ऑफ फैमिली में, ब्लेंडेड फैमिली। तो ब्लेंडेड फैमिली क्या होता है, इट इज़ अ फैमिली वेयर अ चाइल्ड फ्रॉम अ प्रीवियस रिलेशनशिप इज़ इंक्लूडेड इन द फैमिली क्रिएटेड बाय द न्यू मैरिज। मीन्स जैसे कि एक हस्बैंड एंड वाइफ है, उनसे एक बच्चा हुआ है, ठीक है, उनसे एक बेबी हुआ दोनों से, तो हस्बैंड वाइफ में आपस में किसी भी चीज़ को लेकर के झगड़ा हो गया, या फिर वो सेपरेट हो गए, उनमें डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो वो दोनों अलग हो गए, ठीक है। देन जो बच्चा उनसे हुआ है वो मदर के साथ रहता है या फिर फादर के साथ रहता है, तो आगे उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, कि उस वुमेन का, वाइफ का कहीं कहीं और शादी हो जाती है, ठीक है, या फिर हस्बैंड की कहीं और शादी हो जाती है, तो वो बच्चा उनके साथ जो रह रहा था वो भी दूसरी फैमिली में जाता है। तो वो जो एक नई फैमिली बनी है उसे बोलते हैं ब्लेंडेड फैमिली, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, ठीक है, जो उनके साथ जो बच्चा था उनका, और वो जब नई फैमिली में जाता है, ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ की अलग अलग कहीं और शादी हुई है तो उनका बच्चा भी उस फैमिली में जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ब्लेंडेड फैमिली। जो नई फैमिली क्रिएट हुई है उसे बोलते हैं ब्लेंडेड फैमिली। इट ओनली टेक ऑन चाइल्ड फ्रॉम वन पेरेंट टू बी ब्लेंडेड फैमिली। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि, तो इसमें क्या बोला है कि वन पेरेंट से जो बच्चा जो है नई फैमिली में जाता है उसे बोलते हैं हम ब्लेंडेड फैमिली। तो हमारा टॉपिक फैमिली का कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इस पूरे टॉपिक में किसी में भी किसी भी चीज़ का आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।